हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं केत कावड़े यानी प्रति तिरुपति। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर का रेप्लिका कहा जाता है। ये पुणे में है। पुणे से केत कावड़े जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सासवड गांव से होके जाता है और दूसरा कात्रज से। हम लोग सासवड मार्ग से जा रहे हैं। पंडरपुर की जो प्रसिद्ध वारी यात्रा जाती है वो इसी रास्ते से जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिवे घाट के पास ये विट्ठल की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया गया है। प्रति तिरुपति केत कावड़े पुणे से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पे है और पुणे एयरपोर्ट से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुँचने के लिए आप खुद की गाड़ी या फिर कैब ले सकते हो, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बस भी है जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, दूर से वो पुरंदर फोर्ट दिख रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। ये नारायणपुर है, एकमुखी दत्त क्षेत्र, बहुत ही सुंदर दत्त भगवान की मूर्ति यहाँ पे है। दोस्तों अभी हम केत कावड़े पहुंचने ही वाले हैं। पार्किंग से मंदिर जाने का रास्ता है, बहुत ही क्लीन मेंटेन किया हुआ है। मंदिर के चारों तरफ पूरा ग्रीनरी है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर का रेप्लिका कितना भव्य लगता है। ये मुख्य गोपुर है। वैसे मंदिर के अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, तो हमें बाहर से ही देख सकते हैं। ये दर्शन के लिए जो लाइन लगी है वो देख सकते हैं आप लोग। ये अंदर के मेन मंदिर में बालाजी की मूर्ति है। चलिए आपको मंदिर का एक पूरा प्रदक्षिणा करके दिखाएंगे। ये मंदिर 1996 से 2003 के दरमियान बना है। और यहाँ की जो पुजारी है वो भी तिरुपति बालाजी मंदिर से ही अपॉइंट किए हुए लोग हैं। ये देखिए अभी लाइन कितनी लंबी है, छुट्टियों के दिनों में तो और बढ़ जाते हैं। हमें लगभग आधे घंटे में दर्शन हुआ। ये देखिए पूरा मंदिर की उस साइड से शुरू होती है लाइन और पूरा होके ऐसे इधर तक आती है। के लाइन इधर से शुरू होती है और मंदिर के मुख्य मंदिर के आजू बाजू में बहुत ही छोटे मोटे मंदिर हैं। देखो कितना क्लीनली मेंटेन किया हुआ है।
ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं। यहाँ से ये पूरा घूम के, अभी पहले दिखाया था, उधर से दर्शन के लिए हम अंदर जा सकते हैं। बालाजी के दर्शन लेके बाहर निकलते वक्त द्रोण में बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा मंदिर की तरफ से भोजनालय भी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी और स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। ये पार्किंग की तरफ जाने का रास्ता, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं और पूजा के सामान, खिलौनों के सामान मिलने वाले दुकान भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों बालाजी मंदिर को देख के आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।